बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही इसके शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। शुरुआती रुझान में तेजस्वी की अगुवाई वाली महागठबंधन और नीतीश की एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इस बार के चुनाव में गठबंधन का असर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी दिखाई दे रहा है। खबर लिखे जाने तक रुझान पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस में विधायकों को एकजुट रखने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जीत के बाद वे तुरंत वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करें, साथ ही किसी विशेष परिस्थिति में विधायकों को राजस्थान या पंजाब भेजने की भी तैयारी रखी गई है। चुनाव के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया गया है कि बिहार में कांटे का मुकाबला है और महागठबंधन के सत्ता में आने की उम्मीद ज्यादा है। ऐसे में अगर कहीं मामला फंसता है तो कांग्रेस भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे जीत के बाद फौरन समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे रणदीप सुरजेवाला से संपर्क करें। वहीं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा के अनुसार जेडीयू भाजपा सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, ऐसे में सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को बिहार सहित कई राज्यों में टूट का सामना करना पड़ा है। इस बीच हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जिन लोगों ने देश को बेचने का काम किया है उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। संजय जायसवाल ने कहा है कि इन लोगों को इतिहास में झांकना चाहिए कि इन्होंने कैसे देश में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी मंगलवार को कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग एग्जिट पोल देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रिजल्ट में एनडीए को जीत होगी। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि बिहार में 3 चरण में विधानसभा चुनाव हुए हैं और आज वोटों की गिनती हो रही है। बिहार के 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। कांग्रेस चुनावी मैदान में आरजेडी के साथ गठबंधन के तहत उतरी है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अंत में बता दें कि मतगणना के 2 घंटे हो गए हैं। शुरुआती रुझान में देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। अभी तक के रुझानों को देखें तो महागठबंधन 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इन शुरुआती नतीजों में आरजेडी के खाते में 63 जबकि कांग्रेस को 27 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। वहीं एनडीए 107 सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें जेडीयू 37 और बीजेपी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान में ये कह पाना मुश्किल है कि बिहार में किसी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, लेकिन कुछ घंटे के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।